वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए, मैं अभी आज सुबह के मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करके आ गई हूँ और मैंने नाश्ता भी कर लिया है, ब्रेकफास्ट, और अभी मैं लंच बना रही हूँ। तो अभी मैं रूटीन नहीं शेयर करूँगी, तो अभी मैं बताने जा रही हूँ कि अपने लंबे बालों की केयर कैसे करते हैं। तो मैं अपने लंबे जो मेरे बाल हैं, तो देखिए इतने हैं, तो मैं इसमें अभी ऑयल लगाऊंगी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर ज़रूर करूँ, तो आप भी इस तरह से अपने बालों की केयर कर सकते हैं। तो देखिए मैं अपने बालों में कौन सा तेल यूज करती हूँ और कैसे मैं अपने हेड मसाज करती हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी वीडियो में, और मेरे वीडियो में बने रहें। चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो अभी मैं ऑयल को निकाल लेती हूँ इस बर्तन में। देखिए इसमें मैं ऑयल को निकाल लेती हूँ, जितना मुझे मेरे बालों में लगेगा उतना उस हिसाब से। तो अभी मैंने इतना निकाल लिया है बाल को लगाने के लिए। तभी मैं इसको, ये जो आप ये देखिए फिंगर है, इस तरह से आप ऐसे ले सकते हैं ऐसे बालों में, और इस तरह करके ऐसे आप लगा सकते हैं। तो देखिए मैं भी किस तरह से लगाऊंगी। देखिए आप इस तरह से लगा सकते हैं, पैटर्न कर करके आप कॉम की सहायता से भी इस तरह से पैट कर सकते हैं। देखिए मैं भी हैंड की सहायता से ही पैट कर रही हूँ। तो हाँ, मैं वीक में दो बार ऑयल मसाज करती हूँ। तो एक एक ट्यूजडे को करती हूँ और एक सैटरडे को। वीक में दो बार मैं ऑयल मसाज करती हूँ। देखिए मैं किस तरह से पैट कर करके और इस तरह से मैं ऐसे ऐसे लगाऊंगी। आप कॉटन के सहायता से भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो मैं ये सब बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये सब कोर्स किया हुआ है, ब्यूटिशियन का मैंने कोर्स किया है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, नहीं तो नॉलेज नहीं रहता तो मैं नहीं बताती। तो देखिए अभी मैं दोनों फिंगर से इस तरह से लूँगी। जो बाकी ऑयल है तो मैं इस तरह दो पार्ट में बाल को कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं इस तरह से ऐसे करके लूंगी। देखिए आप देख सकते हैं मेरे बाल की लेंथ, देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो अभी मैं हेड की मसाज करूंगी। तो हेड की मसाज करने के लिए देखिए आप पहले इस तरह से ले लीजिएगा और इस तरह से कीजिएगा, और यहाँ पे आके हल्का सा प्रेस कीजिएगा यहाँ पे ऐसे। ऐसे फिर ऐसे ऐसे करके इस तरह से जो ये फिंगर उंगली है उसकी सहायता से ऑयल लगा लीजिएगा कि ऑयल फिसले, इस वजह से ऑयल लगाइएगा और इस तरह से कीजिएगा ऐसे। एक हाथ यहाँ रहेगा और एक यहाँ, और इस तरह से आपको कुछ नहीं, सिर्फ यही जो ये उंगली है उसका ये इससे काम करना है, पूरा हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ इसी वजह इसी से, और इसी से 5-10 मिनट की मसाज से आपका
बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा हेयर में और बहुत रिलैक्स फील होगा आपको। देखिए आप ऊपर से इस तरह से ऐसे कर करके करते 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 आप इसे नीचे की तरफ ऐसे ले जाइएगा, फिर ऐसे 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 थोड़ा प्रेस कर करके कीजिएगा तो ज्यादा बेटर लगेगा इस तरह से। इस तरह से इसे कीजिएगा। जो कम वाइब्रेट होता है उस टाइप का ऐसे ऐसे कीजिएगा, वाइब्रेट हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन आपका हेड का बढ़ेगा, इसलिए इस तरह से किया जाता है। इसके बाद इस तरह से अभी मैं जो सारे जो तेल हैं वो उसका यूज कर लूँगी, मैंने जो जितना लिया था क्वांटिटी। तो मैं इसको अभी 24 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, मैं तुरंत तो इसके नेक्स्ट डे में वॉश करूंगी अपने बालों को। तो आप इस तरह से कीजिएगा तो आपके बाल के जड़ों में भी ऑयल जाएगा अंदर तक रूट में और आपके रूट मजबूत होंगे। और अगर आप ज़्यादा मतलब कि इतना देरी तक नहीं रख सकते हैं तो शावर या बाल धोने के 2 घंटे पहले भी आप इस तरह से बालों में ऑयल मसाज कर सकते हैं, फिर उसके बाद अपने बाल वॉश कर लीजिएगा। पर ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप 24 घंटों के लिए सब एक दिन के लिए आप इस तरह से ऑयल लगा के छोड़ दे बालों में तो अच्छा रहेगा। देखिए मेरे बालों में भी तेल लगाया। और हाँ एक और टिप मैं बता रही हूँ कि अगर आप बालों में ऑयल लगाते हैं मसाज करते हैं तो आप तुरंत कॉम नहीं कीजिएगा, आप तो कुछ देर बाद कॉम कीजिएगा। तुरंत कॉम करने से आपके बाल झड़ सकते हैं तो आप तुरंत कॉम नहीं कीजिएगा। और इस तरह से ऐसे करके और आप इस तरह से करके बालों को अपना फोल्ड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप कुछ देर बाद कॉम कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये तो तुरंत बाल में ऑयल लगा के कॉम नहीं, और मैं तो दिन में शूट कर रही हूँ बता रही हूँ, पर आप रात में ऐसा कीजिएगा तो आपको कॉम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो कैसा लगा मेरा ऑयल मसाज का वीडियो? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, और मेरे जो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।